गरासिया जाति आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध तर्पण एवं महिलाओं का स्वयंवर मेला शुरू। हजारों की संख्या में पहुंचे आदिवासी महिला पुरुष युवा नृत्य करते हुए पसंद करते हैं। युवा युवती के जोड़े और भगा के ले जाते हैं। युवतियों को युवा माउंट आबू में है अनोखी परंपरा जो आदिवासियों की सदियों से चली आ रही। बुद्ध पूर्णिमा के दिन से दो दिन तक माउंट आबू में हर वर्ष शुरू होने वाला आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध तर्पण एवं युवक युवतियों का स्वयंवर मेला शुरू हो गया। हजारों की संख्या में इस मेले में आदिवासी गरासिया जाति के लोग वर्ष भर अपने घरों में होने वाली मौत के अतिथियों को लेकर इस मेले में आते हैं। परिवार के लोग अतिथियों का तर्पण करके एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वहीं हजारों की संख्या में युवतियाँ जो बिना शादीशुदा होती है वह नृत्य कर युवाओं के साथ एक दूसरे को चुनने का मौका देती है। इसी प्रकार एक दो सालों से जो युवतियाँ युवक प्यार करते हैं वे इस मेले में शामिल होकर युवक युवती को भगा कर ले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। उसके बाद समाज बैठता और इस शादी को बाद में समाज जायज बताता है। तभी वह शादी जायज मानी जाती है या परंपरा सदियों से मनाई जा रही है और हर वर्ष इसी दिन मेला शुरू होता है। और ग्रासिया समाज का माउंट पे मित्रों की जो फूल वगैरह गिरती है ना उनके हिसाब से दर एक साल का मेला लगता है और अच्छा लगता है इन लोगों को। और ये तीर्थ यात्रा का मेला है और अपने देवी देवताओं को मानते हैं लोग, इसलिए यहाँ पे मंदिर पे आते हैं, माउंट आबू के चक्कर लगाते हैं नकी झील पे और अपना अपना स्वभाव है। और साथ में क्या शादी की भी कोई परंपरा है क्या होता है? इनके जो मिलने वाले आते हैं माला डालती है, वो रीति रिवाज है वो पूरा करते हैं और शाम को अपना विश्राम करके चले जाते हैं। ये यहाँ का कार्यक्रम है, दर एक साल का है। शादी की भी कोई परंपरा है? शादी की कोई परंपरा नहीं है। जैसे किसी का प्यार चल रहा है, किसी का हो रहा है तो लेके चला जाएगा, बाद में शादी हो जाती है, ऐसा रूल है यहाँ का, शादी का ये नियम है यहाँ का। हमारा एक संस्कार ऐसा है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, क्योंकि हमारा एक संस्कार ऐसा है जो मृत्यु हो जाते हैं उसके बाद हमारे 5 मई को हमारा पूर्णिमा को दिन हमारे को इधर उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि हमारे एक संस्कार है, क्योंकि हमारे एक संस्कार है, एक मेला भी है हमारा, क्योंकि हमारा मेला है ऐसा है जो हम मनपसंद से शादी करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा है जो हमारे भाई बहन पूर्णिमा के दिन क्या क्या करते हैं, पूर्वजों की मृत्यु हो जाती है उनकी, उनके बाद हमारा एक वो रीति रिवाज है वो इधर आना जरूरी है, क्योंकि हमारा एक आने से पहले एक हमारे को एक कोई अस्थि विसर्जन करते हैं, एक लागू हो चुका है हमारा ये देश में आज के दिन के अस्थि विसर्जन करते हो आप? हाँ यस। और उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद हमारे जो उसके बाद हमारा महिलाएं चुनती हैं अपने घर को शादी करने की भी आपकी परंपरा यस एक हमारी ऐसी संस्कार है जो हमारे मन पसंद से शादी भी करते, क्योंकि हमारा जो ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा एक लड़का भी पढ़ा लिखा हो लड़की भी पढ़ी लिखी हो, क्योंकि हमारा जो एक हमारा एक बातचीत होनी जरूरी है, क्योंकि हमारे पसंद से शादी करते हैं।